हेलो गाइस गाइस, हम लोग जा रहे थे आज एक अमरोहा की ऐतिहासिक जगह पर जिसका नाम है बाएं का कुआं, और वहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ के साथ मेला लगा हुआ है, तो हम आपको लेकर चलते हैं मेले में। तो आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस कैसे हो आप लोग? आज हम जा रहे थे बाएं के कुएं का मेला देखने के लिए, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है तो आपको मैं दिखा दूं। पहले तो बारिश ने हमको बहुत परेशान करा, लेकिन अब अचानक ही देखो हमारी मोटरसाइकिल की तो चैन टूट गई है, और करीबन हम 4 से 5 किलोमीटर आ गए थे, लेकिन अब चैन टूट गई है तो इसको ठीक कराना पड़ेगा। बहुत दिक्कत आ रही है आज हमको, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको जो है बाएं के कुएं का मेला दिखाएंगे कैसा लगता है अमरोहा का। A few moments later. तो गाइस यही वो गांव है जहां पर बाएं का कुएं का मेला लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहना, और हम आपको आज मेले में लेकर चलने वाले हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं मेले के बाहर ही जब इतनी भीड़ है, तो सपोज करो आप लोग कि मेले के अंदर कितनी भीड़ होगी। तो यहाँ पर देखो भीड़ स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले देखो हम जो है प्रसाद लेंगे और पंजी चढ़ाएंगे, तो उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इस मेले को कंप्लीट, ये जो मेला है किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है और बाएं के कुएं को। तो पहले हम प्रसाद लेते हैं चल के। और भीड़ की बात की जाए तो ये देखो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और भीड़ जो है काफ़ी है। अब जो भीड़ है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। सुबह बारिश की वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो यहाँ पर हम देखो प्रसाद लेंगे, लेकिन जनरेटर की आवाज़ इतनी तेज आ रही है कि आपको सुनाई नहीं आएगी हमने प्रसाद ले लिया। पैसे दे दो, कैर बेगा अंकल जी, कैर बेगा 10 रुपए का लेगा तुम्हें तो एक ओके। देखो हमने यहाँ पर ये प्रसाद ले लिया है, सामने बाएं का कुआं है और भीड़ देखो कितनी है यहाँ पर, देखो कितनी है चारों तरफ जो है काफी भीड़ है। पांव रखने को यहाँ पर जगह नहीं मिलने वाली, वो पहले बार से आएंगे बाएं की कुएं के अंदर जो फील्ड है वहाँ पर भीड़ कितनी मैं दिखाऊंगा। तो ये देखो तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इस टाइम फील्ड के अंदर, और सबसे पहले पंजी चढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है पहले कुछ और था, पिछले ब्लॉग अगर आपने ना देखा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है खाली मैदान था, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये खरंजा डाल दिया गया है। हम जो है यहाँ पर अपना प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर मेले को एक्सप्लोर करेंगे, और इधर जो है बाएं का कुआं है वो भी दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि लाइन किधर से स्टार्ट होती है। भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई लाइन स्टार्ट नहीं हो रही, यानी कि एक साथ सब जा रहे हैं। पीछे देखो कितनी भीड़ है, और आगे भी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तमाम भीड़ ही भीड़ है। वो तब गए भाई, तब गए यहाँ पर तो भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, लेकिन नंबर आने वाला है। यहाँ पर भीड़ इतनी है कि मोबाइल को अंदर रखना पड़ेगा वरना तो नंबर कट जाएगा। तो नीचे को जा रहे हैं निकल के पाँव में कुछ छोटे छोटे, तो इसलिए मोबाइल को देखो अंदर रखता हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, तो पहले प्रसाद चढ़ाते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं यहाँ के बारे में। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं प्रसाद चढ़ाकर आ गया हूँ। इस वाली भीड़ में से मैंने 5 मिनट में अपना नंबर ला दिया बेईमानी करके। अब देखते हैं बाएं का कुआं, ठीक है? ये देखो ये है बाएं का कुआं, और इसके ऊपर जो है अब जाल लगा दिया गया है, लेकिन पहले जाल नहीं था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बाएं कुआं कैसा है। तो गाइस हमारे आकाश भाई जा रहे हैं बाएं के कुएं में प्रसाद चढ़ाने। जी भाई साहब, ये देखिए ना, मेले बचा ले, थोड़ा खाऊंगा मैं, खाऊंगा मैं थोड़ा सा। तो ये देखो ये था बाएं का कुआं, जाल से आ रहा है। हाँ तो सही, अभी तो बोलूँ। तो गाइस देखे हम आपको आज बाएं का कुआं दिखाते हैं। आपने दूसरी वीडियो में देखा भी होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो का, आप लोग फुल वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर देखो ये है वो कुआं, बाएं का कुआं,
यहाँ पर आपको मैं भीड़ दिखाऊं तो चारों तरफ आप देखोगे तो काफ़ी भीड़ है, और मेन जो कुआ है बाय का वो सामने है, और अभी जो है इसके ऊपर और साइड में जाल लगा दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ है। आपको पता है बालक बच्चे सब आते हैं तो कोई इसके अंदर ना गिरे, इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी को लेकर बोले तो प्रशासन ने काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर कर दी है। देखो बांस के डंडे भी लगा दिए गए हैं और लोहे के गेट लगा दिए गए हैं खिड़की पर और गेटों पर, और बाकी यहाँ पर ये जो साइड वाला जो बावड़ी देख रहे हो आप, इन पर भी जो है इन्होंने जाल लगा दिया गया है जिससे कोई इनके अंदर ना जाए। बाकी मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें जो है बदलाव हुए हैं। तो भीड़ की बात की जाए तो भीड़ तो यहाँ पर काफ़ी है, भीड़ तो यहाँ पर बहुत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट कुएं को देखने, तो सामने गेट खुला हुआ है और उस गेट के माध्यम से लोग जा रहे हैं इस कुएं को देखने की ओर। तो ये सीढ़ी देखो, हम जो है काफ़ी गहराई में आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इस कुएं में प्रसाद का काफ़ी ढेर हो चुका होगा। चलो अंदर, चलो भाई चलो, ले प्रसाद खा ले जाए तू, खा ले कुछ ना। चलो 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 चलो, वो कहाँ रह गए। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अब सुरंग में। ये सुरंग तो नहीं है लेकिन इसको सुरंग कह सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी भीड़ है। तो चलो देखो ये सुरंग है, शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ है लेकिन अंधेरे में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मैंने इसकी जो अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर लिया है, एक इधर से रास्ता आ रहा है और दूसरा ये इधर है, तो यहाँ से जो है हमको क्लियर बाय का कुआ देखने को ऐसे मिलेगा। हाँ भाई हटा हटाओ हटो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है बाएं की गुमे किस तरीके से पैसों की और प्रसाद की बारिश हो रही है। ये देखो इसे पानी है, इसके नीचे जो है इन्होंने पल्ली बिछा दी है जिससे कि जो चंदा आएगा वो इकट्ठा हो जाएगा, और ऊपर देखो जाल लगा रखा है और प्रसाद नीचे से जो डाले हैं लोग, और बाकी यहाँ पर नीचे चंदा इकट्ठा होगा। और ये बाएं का कुआ था, और इधर जो आपकी खिड़की देख रही है सबको इनको बंद कर रखा है, बस एक ही कोल लगी है। तो आपने देखा ऊपर जाल लगा रखा है और नीचे से ऐसा, तो यहाँ पर भीड़ बहुत है तो इसलिए हमको यहाँ से चलना होगा। चलो भाई चलो विदेश देख लो भाई, अरे अली बाबा की सुरंग में आ गए क्यों यहाँ पर देखो, अरे मेरा अंकित का कोई क्यों, मेरा अंकित आ जाओ। तो यहाँ पर देखो हम सुरंग में आए थे, सुरंग नहीं बाय का कुआ है ये, तो आपने देखा बाय का कुआ किस तरीके आप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो अंकित भाई है, अरे भाई आ जाओ सुरंग में, ये चलो प्रसाद खा गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? प्रसाद खा गया, अब तू जो है गया, तू तो गया, तू गया बेटे, है कुआ तो झूठा हो गया। अभी जो है हम आपको थोड़ी टॉप पे चलाए हैं, भैया साइड होना, मैं साइड होना थोड़ा। तो यहाँ पर हम आपको टॉप पर ले आए हैं कथी कुएं के, और यहाँ से दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। तो ये देखो जाल कितना पास है और प्रसाद, मोबाइल गिरेगा गिर जाओ लेकिन वीडियो ना, ऐसे देख ले देख ले, ये है जाल और ऊपर से जो है प्रसादों की और पैसों की जो है बारिश हो रही है देखो। तो आपको जो है ये कैसा लग रहा है देखकर अमरोहे का ऐतिहासिक कुआं? इनके से रास्ता बंद करते क्या? पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ से भी रास्ता खुला हुआ था लेकिन अब नहीं है, सब चीज़ खा होगा यार इस आदमी को, मतलब सबर नहीं है। मैं बिलो बनाना आया हूँ, खवाना आया हूँ तुम्हें, तो कुछ बोलो। तो हमने बाय का कुआ देख लिया है, प्रसाद भी चढ़ा लिया है, अब चलते हैं खाने पीने की ओर, कुछ खाते हैं और आपको भी घुमाते हैं मेले में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या खेल खिलौने हैं। तो चलो चलते हैं, आओ भाई अगर मेरे। यहाँ पर ये देखो कितनी प्यारी प्यारी गुड़िया हैं, और यहाँ पर ये देखो घड़ी है, कितनी प्यारी प्यारी घड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये देखो एप्पल की घड़ी ले लो, काय की भी ले सकते हो यहाँ पर, ये देखो ये एप्पल की घड़ी और कुछ भी। यहाँ पर आप अपना नाम चावल के दाने पर नाम लिखवाएं, ये देखो और
यहाँ पर ये पानी पटाखे, पकौड़ी, चाउमीन, टिक्की, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। और आप जो है यहाँ से सामान लेके बैठ के खाना, यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं है। और दूसरी तरफ जो है हिंडोले हैं, मिक्की माउस वगैरह चीज़ें हैं। तो चलते हैं उधर और दिखाते हैं आपको। शाम का टाइम हो रहा है तो वीडियो जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इधर देखो ये बाएं का कुआं था जिसके चारों तरफ जो है बाउंड्री हुई है। और यहाँ पर ये जो मैदान को साफ कर दिया है तो इस खेत के अंदर हम गिर गए हैं। कुछ भीड़ नहीं है इस टाइम, कुछ भी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ मिक्की माउस। यहाँ पर जो है बालक किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं। तो ये देखो, ये है मिक्की माउस। गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत ही मजे ले रहे हैं इसकी माँ का मजे मजे। यहाँ पर हम खाएंगे समोसे। बीस रुपये प्लेट देगा? दो दो बना ले, दो तीन तीन प्लेट लगा दो। तो यहाँ पर हम खाएंगे समोसे की प्लेट है। देखो ये समोसे हैं, यहाँ पर टिक्की है और पानी पटाके बहुत कुछ है। तो देखो ये देखो 20 रुपये की है ये, तो पकड़ो। तो दोस्तों हम देखो इस टाइम मेले को घूम के आ गए हैं और आपको भी घुमा दिया है। और अगर आपको एक ब्लॉग अच्छा लगा तो आप इस ब्लॉग को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आप जो है हम घर जा रहे हैं और आज के ब्लॉग हमारा यही रखना। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप जो इस ब्लॉग को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।